कोर्ट दो दर्जन लोगों ने मानिकपुर तहसील पहुंचकर दबंग द्वारा अवैध कर्जा करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने पुरुष द्वारा तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। गांव वालों ने बताया गांव के कुछ लोगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी ने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए लेखपाल और तहसीलदार को बुलाकर आदेश दिया कि ग्राम समाज की जमीन किसी के द्वारा कब्जा न किया, अगर कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ कठिन कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला मानिकपुर थाना अंतर्गत सकरोहा गाँव का है। क्या पूरा मामला है, आज क्यों आई हैं आप लोग, क्या क्यों तहसील आई? हम आज सर अपने जमीन पे किया, जैसे हमारे रहने की कोई जगह नहीं है और हम अपन बाहर अपने बच्चा लेके आते हैं तो जहाँ हम अपन बनाए हैं वहाँ कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? विनोद। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप हटाइए। आखिर क्यों हटाएं, ऐसा कुछ कारण है कि हम लोग कब्जा करेंगे? तो इसकी शिकायत की कहीं आप लोगों ने? हाँ तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। नहीं शिकायत कर दिया। क्या समस्या लेकर? ये है कि हम लोग पीड़ित होकर के 30 साल से ग्राम सकरौहा से गांव से बाहर निकल के कलखंडी में आ गए हैं और हम लोग आज 30 साल से वर्तमान बाल बच्चे लेकर के वहां रह रहे हैं, धूप लुबार हर चीज़ सहते हुए। आज हमारी जनता के बीच में जा कर के अवैध रूप से दबंग लोगों ने धमकी गुड़की देकर कब्जा कर रहे हैं बीच में। क्यों आपके दरवाजे में क्या हुआ, आपको क्या बोला गया कि बंगली? हाँ कैसा है कि आप बंगली हटाइए। किस दिन बोला गया? कल नहीं, शाम के नहीं, कल। सर आज एक मामला आया था, कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे कुछ सकरौहा के। क्या पूरा मामला था और क्या क्या ज्ञापन में दिया गया? एक्चुअली मामला सकरौहा ग्राम का है, इसमें कुछ महिलाएं आई थी, उनका ये कहना था कि हम कोल जाति के हैं और हम पहले से ही गांव सभा की भूमि में निवास कर रहे हैं 25-30 साल से, लेकिन वहाँ जो खाली भूमि है उसमें कोई विनोद नाम का व्यक्ति अवैध अतिक्रमण कर रहा है। तो इसमें जब बात की गई तो चांस की बात आई, विनोद भी यही थे, तहसीलदार साहब ने विनोद को बुलवाया, सामने बात की गई और उनको ये बता दिया गया कि अगर उन्होंने एक इंच भी अतिक्रमण का प्रयास भी किया तो लेखपाल साहब सीधे जाकर के FIR भी दर्ज करा दें। तो विनोद ने भी स्वीकार किया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा और सामूहिक रूप से यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में पात्र है और उसके पास आवासहीन है तो अपना नाम लिखा दे, उसको नियमानुसार आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से ग्राम सभा की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक, थैंक यू।